हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। चलिए शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट पेपर। हम लोग ऑलरेडी, दिस इज पार्ट टू, हम लोग ऑलरेडी पार्ट वन में डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट एमसीक्यू हमने डिस्कस कर लिया था पूरा पोर्शन 15 मार्क्स का। सेकंड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फुल क्वेश्चन जो हमारा टोटल इनकम का आता है, कंपल्सरी क्वेश्चन अगेन ऑफ 15 मार्क्स। तो दिस वॉज ऑलरेडी डिस्कस्ड। इन केस किसी भी स्टूडेंट ने मिस किया है वो लेक्चर, तो आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप इस लेक्चर के बाद उसको भी देख सकते हैं। करेक्ट। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 questions, राइट? बट अभी फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस मैं अभी आपके साथ तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं MTP। दिस इज सीरीज 2। सीरीज 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। इनकेस फिर भी किसी स्टूडेंट ने मिस किया है तो आप सीरीज 1 भी चेक कर सकते हैं चैनल पर। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2A। सागर आ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, इज प्रेजेंटली वर्किंग इन अ फर्म इन इंडिया। इंडिया में अभी काम कर रहे हैं ये। ही हैज़ रिसीव्ड एन ऑफर फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फ्रॉम अ कंपनी इन न्यूयॉर्क। इनको न्यूयॉर्क से एक ऑफर आ गया कि आप हमारे यहाँ पर CFO बने। ओके, ठीक है। एज पर द ऑफर लेटर ही शुड ज्वाइन द कंपनी एट एनी टाइम बिटवीन 1 सितंबर एंड 31 अक्टूबर 2023। न्यूयॉर्क वाले बोल रहे हैं कि आपको हम अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं 2 महीने का, 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आप कभी भी जब आपका मन करे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ही अप्रोचेज यू फॉर योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग इश्यूज टू मिटिगेट हिज टैक्स लायबिलिटी। मिटिगेट मतलब रिड्यूस करना, तो वो हमारी एडवाइस लेना चाहते। अरे ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी हैं, फिर भी हमारी एडवाइस चाहते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स इनको बता देंगे, एडवाइस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो इनकी टैक्स लाइबिलिटी कम से कम कैसे आएगी? इनको हो सकता है ना टैक्स में काम ना करते हो, किसी और चीज़ में इनकी एफिशिएंसी हो, राइट? ओके, डेट ऑन डेट बाय विच ही शुड लीव इंडिया टू ज्वाइन द कंपनी। तो सबसे पहले तो पूछ रहे हैं कि मुझे किस दिन निकलना चाहिए इंडिया से जिससे कि मेरी कम से कम टैक्स लाइबिलिटी बने। अब देखिए, कम से कम टैक्स लाइबिलिटी किसकी बनेगी, रेसिडेंट की या नॉन रेसिडेंट की? नॉन रेसिडेंट की, करेक्ट। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि अगर आप रेसिडेंट हो जाते हैं, स्पेशली ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाते हैं, तो हमारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है। यानी कि ऐसी इनकम जो हम इंडिया से अराइज भी नहीं हो रही है, इंडिया में रिसीव भी नहीं हो रही है, वो भी टैक्सेबल हो जाती है अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनते हैं। बट इनकेस अगर हम नॉन रेसिडेंट बन जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इनकेस हमारी कोई भी इनकम जो इंडिया के बाहर अराइज हो रही है, इंडिया से बाहर ही रिसीव हो रही है, उसको हम टैक्सेबल नहीं करते, करेक्ट? तो इस केस में अब ये हमसे चाहते हैं कि आप बताइए कि इसको इनको किस दिन जाना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले वी अंडरस्टैंड हमारे पास 2 बेसिक कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक, एनी वन इफ इट इज सेटिस्फाइड, तो हमारा एसएससी हो जाता है रेसिडेंट। तो हम कोशिश करते हैं कि इनको नॉन रेसिडेंट बना दें। तो सबसे पहले वी हैव बेसिक कंडीशन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इनफैक्ट इस तरह की एडवाइस लेने के लिए काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं। ठीक है, हमारे पास मतलब जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, ठीक है, CMA बनेंगे, तो आपके पास आएंगे ये लोग। ओके, बेसिक कंडीशंस, हमारे पास 2 बेसिक कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट बेसिक कंडीशन कहती है कि अगर असेसी मिनिमम आप 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया में है, तब आप रेसिडेंट बन जाते हैं। सेकेंड कंडीशन कहती है दोनों में से कोई भी अगर एक सेटिस्फाइड होती है तो असेसी हमारा बन जाता है रेसिडेंट। सेकेंड कंडीशन यू अंडरस्टैंड ईजी है, क्या कहती है? प्रीवियस ईयर में 60 डेज और लास्ट 4 ईयर में कम से कम 365 डेज और मोर अगर असेसी इंडिया में है तो वो रेसिडेंट बन जाता है। अगेन हम लोग जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए हम ये 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लगाते हैं, राइट? और उसमें से एक है इंडियन सिटीजन। अगर इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट करने के लिए जाता है, उसके लिए हम सेकंड कंडीशन नहीं लगाएंगे। और इस केस में इनफैक्ट यही हो रहा है। सागर अब इंडियन सिटीजन मेंशन नहीं है, बट हम लोग मानेंगे ना, एज्यूम कर सकते हैं ना कि इज एन इंडियन सिटीजन, नाम से भी समझ में आ रहा है, वैसे भी इज प्रेजेंटली वर्किंग इन इंडिया, CA है। तो वी ऑलवेज वी विल अज्यूम दैट ही इज अ इंडियन सिटीजन। वहाँ पे आप लिख भी सकते हैं assumption अगर आप चाहते हैं तो। तो सागर इज गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, राइट? इनको एक फॉरेन एम्प्लॉयर, अ कंपनी इन न्यूयॉर्क, दे आर प्रोवाइडिंग हिम अ जॉब। तो इस केस में इनके ऊपर सेकेंड कंडीशन हम नहीं लगाएंगे, 60 डेज वाली कंडीशन इनके ऊपर नहीं लगती। यानी कि अब सिर्फ हमारे पास बची है 182 डेज की कंडीशन। तो हमें इनका नंबर ऑफ डेज कम से कम ऐसा बनाना चाहिए कि 182 ना बन पाए। 181 होंगे तो चलेगा, 182 ना हो ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर। अब देखिए, इनको फॉरेन वाले बोल रहे हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क वाले बोल रहे हैं कि 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आ जाइए। चलिए चेक करते हैं इनके 181 डेज कब पूरे होंगे।
तो अगर मैं अप्रैल 23 में, ये तो इंडिया में है ना, अप्रैल 23 से हम काउंट करते हैं और मैक्सिमम 181 डेज पर हम लोग रुक जाएंगे। तो अप्रैल में इनके 30 डेज बनेंगे, राइट। मई 23 में अगेन 31, जून में बनेंगे इनके 30 डेज, जुलाई में 31, अगस्त में 31। देखिए अगस्त तक तो इनको इंडिया में रहना ही पड़ेगा। अब सितंबर में, अभी यहाँ पर कितने डेज बन रहे हैं जरा काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, 150 और 153 बन रहे हैं, राइट। 153 डेज बन रहे हैं। अब ये 1 सितंबर को भी चले जाएंगे तो ठीक है, एक दिन जिस दिन जाते हैं उस दिन भी ऐड होता है, राइट। अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं, बिकॉज अब हमारे पास सिर्फ 181 डेज टोटल करने हैं इसमें। तो एक काम करते हैं, 181 में से 153 माइनस कर देते हैं, 181 माइनस 153, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका टोटल 181 से कभी भी ज़्यादा ना बने। तो ये हमने एक बैलेंसिंग फिगर निकाल ली, 28, यानी कि सितंबर में अगर ये मैक्सिमम 28 डेज इंडिया में है तो चलेगा। तो इससे करके क्या होगा कि हमारे 181 डेज ही हो पाएंगे, हम 182 डेज को टच नहीं कर पाएंगे। 60 डेज वाली कंडीशन तो वैसी नहीं लगती इनके ऊपर, करेक्ट। तो इनको हम एडवाइस करेंगे कि बॉस, क्योंकि जिस दिन जाते हैं वो दिन दिन भी काउंट होता है, राइट। तो हम इनको बोल देंगे बॉस, सेप्टेम्बर में आप 28 डेज इंडिया में रह सकते हैं, उस दिन चले जाइएगा। यानी कि इनको क्या बोले, 29 को जाइए, नहीं, 29 को मत बोलना, क्योंकि फिर वो 29 भी काउंट हो जाएगा, 182 हो जाएगा फिर। तो आप 28 को बोल दीजिएगा कि आप 28 को चले जाइए। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, डेट बाय विच ही शुड लीव इंडिया टू ज्वाइन द कंपनी इज, इट्स 28th of September। सब लोग समझ गए? तो आप इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, ऑल दो मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा, बट आप इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कभी भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मैं आपसे बोलूंगा कि वीडियो को पॉज करें, तब आपको अपना प्रेजेंटेशन करना चाहिए, फिर आप मेरी प्रेजेंटेशन से इसको टैली कर सकते हैं, राइट। अब जरूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है, मोर और लेस रीजनेबली ठीक होना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिएगा कि दिस सबसे पहले तो अपना बेसिक कंडीशन समझा दीजिए, और फिर अपना एक मेंशन कीजिएगा कि इफ इंडियन सिटीजन, अज्यूमिंग दैट दिस पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन, कि अगर इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर जाते हैं तो वी ओनली सी 182 डेज कंडीशन, 60 डेज वाले नहीं देखते, राइट। फिर पहले तो आपने लॉ बना बता दिया, पहले प्रोविजन बता दिया, फिर आप इस केस पर आ जाइए, फिर इस केस पर आ जाइए इनके केस पर, कि इस केस में बिकॉज हिज स्टे इन इंडिया शुड बी मैक्सिमम 181 डेज, सो दैट ही कैन बी अ नॉन रेसिडेंट, जिससे कि इनकी जो न्यूयॉर्क में जब इनकम आएगी, सैलरी इनकम होगी, वो टैक्सेबल इंडिया में ना हो पाए, राइट। तो इसके लिए मैक्सिमम वो 181 डेज इंडिया में रहें। तो 181 डेज हमारे पूरे हैं, होते हैं 28 सितंबर को, तो हम इनको बोलेंगे कि आप 28 सितंबर को ही चले जाएंगे, राइट, ओके। सो इसका आंसर तो 28 सितंबर होगा। अब देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो कम से कम आपको मिनिमम जो आपके एक, अगर आप बहुत ज़्यादा खुला खुला नहीं लिख रहे हैं, तो आपका ऑलमोस्ट ये हाफ पेज पर आप आराम से इसका फर्स्ट आंसर दे सकते हैं, ओके। सेकेंड पार्ट ये कहता है, डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ द पार्ट ऑफ द सैलरी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप हमेशा बोलते हो कि नया क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से शुरू किया करो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2A है, अब इसके 2 पार्ट्स हैं, तो क्या हमें सेकेंड पार्ट भी नेक्स्ट पेज से शुरू कर लेना चाहिए? आपकी यहाँ पर मर्जी है, सेकेंड वाला पार्ट भी अगर आप नए पेज से शुरू करते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए हमें वैसे पेपर बचाने होते हैं नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, वी हैव टू सेव द ट्रीज, बट एग्जाम में थोड़ा चलता है। अगर आप इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे तो चलेगा, अगर आप सेकेंड पार्ट भी इधर इसी पेज पर भी लिख देंगे तो चलेगा। बट हाँ, जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे, जैसे 2B शुरू करें अगर आप, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको तो हमेशा ही फ्रेश पेज से ही शुरू करिए, राइट। और अगर फर्स्ट पार्ट करने के बाद आपके पास ज़्यादा स्पेस ना बचे, तो ऑब्वियसली सेकेंड को तो फिर फ्रेश से ही करिए, इस वाले ये जो सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, जो सब पार्ट्स हैं, राइट, ओके। अगर आपने बहुत एक दो लाइन में ही आंसर दे दिया इसका, तो आप फिर इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो वो आपकी वर्जी है। जो सब पार्ट्स हैं वो आप सेम पेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर 2A और 2B की मैं बातें करूँ, बिकॉज ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इट शुड बी स्टार्टेड विद अ वेरी फ्रेश पेज, करेक्ट, ओके। सेकेंड पार्ट ये पूछ रहा है, डायरेक्ट क्रेडिट। देखिए सेकेंड ओपिनियन ही हमसे मांग रहे हैं कि डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू हिज बैंक अकाउंट इन दिल्ली मेंटेन जॉइंटली विद हिज मदर टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ हिज फैमिली, ओके। क्या मतलब हुआ? इन्होंने कहा कि बॉस मैं तो न्यूयॉर्क चला जाऊंगा और मेरी यहाँ पर दिल्ली में मदर रहती हैं और फैमिली भी रहती है, तो उनके साथ मेरा एक जॉइंट अकाउंट है, तो एक काम मैं कर सकता हूँ क्या,
कि क्या मैं कुछ मेरी सैलरी का, जब मुझे न्यूयॉर्क से सैलरी मिलेगी तो मैं उसका कुछ पोर्शन मैं डायरेक्टली अपने दिल्ली के अकाउंट में क्रेडिट करा दूंगा। मैं अपने एम्प्लॉयर को बोलूंगा कि कुछ पोर्शन मुझे न्यूयॉर्क में दे दो, कुछ पोर्शन मुझे दिल्ली में दे दो, जो कि मेरा एक ज्वाइंट अकाउंट है, जिससे कि मेरी मदर मेरा बैंक अकाउंट एक्सेस कर सके, जो एक ज्वाइंट अकाउंट है। क्या ये ठीक रहेगा? द आंसर इज नो, ये ठीक नहीं रहेगा। रीजन भी क्या होगा? क्योंकि जितना पोर्शन अगर वो इंडिया में डायरेक्टली रिसीव हो जाता है, अगर वो एम्प्लॉयर डायरेक्टली वो क्रेडिट कर देता है दिल्ली के अकाउंट में, इंडिया के अकाउंट में, तो फिर क्या होगा? दैट इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया। अगर वो रिसीव्ड हो गई इंडिया में, तो अगेन वी आर गोइंग टू टैक्स इट, तो उस पर तो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी। तो इनको क्या करना चाहिए? इनको अपनी पूरी की पूरी सैलरी पहले न्यूयॉर्क के अकाउंट में ही लेनी चाहिए, जिससे कि इंडिया में रिसीव ना हो वो, और बाद में अपनी मदर के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो फिर रेमिटेंस करा सकते हैं। वो सिर्फ रेमिट करा सकते हैं, तो डायरेक्टली इसको इंडिया से लेना ठीक नहीं रहेगा, मेन लेना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, सब लोग समझ गए हैं? तो दोनों का आंसर आप लोग आराम से लिख सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो राइट हियर, ठीक है? उसके बाद आप मेरा आंसर भी टैली कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ, बट मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल, आपको प्लीज अपनी नॉर्मल प्लेन लैंग्वेज में आपको लिखना है। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल लीगल लैंग्वेज में लिखें, प्लीज नॉर्मल लैंग्वेज में लिखें, प्लेन इंग्लिश, ठीक है? बट हाँ, प्रोविजंस ठीक लिखें, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये बताया एग्जामिनर को कि प्रोविजंस क्या होते हैं। दूसरा, यहाँ पर 60 डेज वाली लिमिट इन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है जो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर जाते हैं। फिर पहले प्रोविजन समझा दिया, फिर उसके बाद अपना आंसर दिया कि इस गिवन केस में हमें क्या करना चाहिए। तो इस गिवन केस में उनका नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे 182 डेज नहीं बनना चाहिए, मैक्सिमम 181 बने, तो वो 28 सितंबर 2023 को इंडिया से जा सकते हैं। और यहाँ पर कैलकुलेट करके भी बता दिया कि यहाँ पर 28 सितंबर तक उनके 181 डेज ही बनेंगे, करेक्ट। सेकेंड पार्ट में डायरेक्टली क्रेडिट ना लें दिल्ली अकाउंट में, वरना वो हम टैक्सेबल कर देंगे। तो पहले प्रोविजन बता दो यहाँ पर कि कोई भी इनकम अगर इंडिया में डायरेक्टली रिसीव होती है तो दैट इज टैक्सेबल, चाहे आप नॉन रेसिडेंट ही क्यों ना हो, वो आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाती है। तो इट इज़ बेटर कि आप पूरी की पूरी सैलरी अपनी न्यूयॉर्क में ही लें, इंडिया में ना लें, और फिर बाद में आप उसको रेमिट करा सकते हैं इंडिया, ठीक है? सो दिस इज हाउ, मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी करेंगे, आप मोटा मोटा इस तरीके से आप लोग आराम से अपना आंसर दे सकते हैं। देखिए, मुझे पता है कि आपके पास आंसर हैं, एमटीपी के साथ साथ जब मॉक पेपर आता है तो उसके सजेस्टेड आंसर्स भी आते हैं, बट आई अंडरस्टैंड कि आप इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल के आंसर्स होते हैं, आप एग्जैक्टली उनको नहीं लिख पाते हैं, वो रेफरेंस के लिए होते हैं। आपको बिल्कुल एग्जैक्टली लिखना एग्जाम में प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट? सो एग्जाम में हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने प्रोविजंस बिल्कुल ठीक लिखें, प्लेन सिंपल इंग्लिश में हमारे प्रोविजंस ठीक लिखें और प्रोविजंस बताएं, फिर अपना आंसर से उसको कनेक्ट करें। क्लियर है? ओके, नाउ आई एम कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन 2B। लिखा हुआ है, ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन ऑफ टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन एट सोर्स, टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड डिटरमाइन द अमाउंट इफ एनी ऑफ टीडीएस और टीसीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स।
इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा हर एग्जाम में मिलता है TDS और TCS का, और वो पूछता है कि TDS की प्रोविजंस लगेंगे या नहीं लगेंगे, या TCS के प्रोविजंस लगेंगे या नहीं लगेंगे, और अगर लगेंगे तो फिर आपको कितना TDS या TCS का अमाउंट एप्लीकेबल करना है, क्या रेट से लगेगा। फर्स्ट पॉइंट सेज मिस्टर दीपक विशेस टू परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस कॉस्टिंग ₹60 लाख फ्रॉम मिस प्रिया। तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर ये एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर रहे हैं विच इज़ मोर देन ₹50 लाख। 50 लाख से ज़्यादा अगर आप रेजिडेंशियल, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, करेक्ट, इट कुड बी रेजिडेंशियल ऑल्सो, इट कुड बी कमर्शियल ऑल्सो, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड पर TDS नहीं लगेगा, बट अगर उसके अलावा आप चीज़ें परचेज कर रहे हैं 50 लाख से एक्सीड हो रहा है वो, तब आपका TDS लग जाता है। अगर आपको सेक्शन याद है तो सेक्शन कोट करिएगा, अगर सेक्शन याद नहीं है तो इट्स ओके, एटलीस्ट वो परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए, 1% TDS आता है इसके ऊपर। सेक्शन याद है तो कोट कीजिएगा, 194IA की बातें हो रही हैं, ठीक है, 194IA सेक्शन याद है तो कोट करिएगा, अदरवाइज आप बिना सेक्शन के भी कर सकते हैं। बट मैं चाहूँगा कि कुछ सेक्शंस TDS के हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आपको याद रहे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या TDS के प्रोविजंस आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आप 50 लाख रुपीज से ऊपर का एक घर खरीद रहे हैं। द हाउस इज सिचुएटेड एट चेन्नई एंड इट्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 65 लाख। ओके, अब दूसरा प्रोविजन आ गया यहाँ पर, आप इसको परचेज कर रहे हैं 60 लाख में और इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 65 लाख। तो अगर आप 194IA पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो TDS डिडक्ट होगा विच एवर इज हायर अमाउंट पर, जितना आपकी कंसिडरेशन आप पे कर रहे हैं या जितनी उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, विच एवर इज हायर, तो यहाँ पर हमारा 1% TDS आएगा 65 लाख रुपीज पर, करेक्ट। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू परचेज एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया फॉर 65 लाख, बोथ द बायर एंड सेलर्स आर रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, एग्रीकल्चर लैंड पर TDS नहीं, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड पर 194A नहीं आता है, तो 65 लाख पर ये जो आपका रूरल, ये जो एग्रीकल्चर लैंड है रूरल एरिया में, इसके ऊपर TDS नहीं आएगा। आप क्वेश्चन आ सकते हैं कि अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड है तो क्या TDS, देखो अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड है वैसे तो वो टैक्सेबल कैपिटल एसेट होता है, हमें पता है रूरल एरिया में तो कैपिटल एसेट ही नहीं होता, करेक्ट, अर्बन एरिया में कैपिटल एसेट होता है, कैपिटल गेन वगैरह भी आता है सेलर का, बट TDS के प्रोविजंस अर्बन लैंड पर नहीं लगते। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड आपका अर्बन एरिया में भी है तो भी TDS के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। तो इनकेस अगर वो बोलता क्वेश्चन हमारा कि एग्रीकल्चर लैंड रूरल में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, अगर अर्बन बोलता तो भी TDS के प्रोविजंस नहीं आते। आई अंडरस्टैंड वो टैक्सेबल होता है, एग्रीकल्चर लैंड अगर अर्बन एरिया में हो तो कैपिटल गेन आता है, पर TDS मत लगाना, ठीक है। एंड अब सिर्फ इसके ऊपर इस घर के लिए 65 लाख, 60 और 65 विच एवर इज हायर, तो 1% का TDS आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। आप बता देंगे उसको प्रोविजंस, और फिर पहले प्रोविजंस बताइए, ठीक है, 2-3 लाइन में आप अपने प्रोविजंस बताइए, उसके बाद अपने केस से उसको लिंक कीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, इंस्टीट्यूट यही तरीका चाहता है अपने स्टूडेंट से कि पहले वो अपना लॉ बताएं, प्रोविजंस बताएं कि कौन सा प्रोविजन लग रहा है इसके ऊपर, सेक्शन याद है तो कोट करें, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, एज पर इनकम टैक्स एक्ट या एज पर द TDS प्रोविजंस, इफ इम्यूबल प्रॉपर्टी इज गेटिंग परचेज सो बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS एट रेट ऑफ 1%, ठीक है। सेकेंड आते हैं, ABC एंड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, कंपनी से क्या सिर्फ कंपनी हो जाएगी? नहीं, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, अदरवाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अभी के लिए। तो एक ABC एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, इज हैविंग अ कार डीलरशिप शोरूम टू, दे हैव परचेज कार्स ऑफ 2 करोड़ फ्रॉम XYZ कार मैन्युफैक्चरर, द कॉस्ट ऑफ ईच कार बीइंग मोर देन 12 लाख रुपीज। अब हम लोग जानते हैं, ये लोग इशारा कर रहे हैं TCS की तरफ, अगर 10 लाख रुपीज से ज़्यादा की हम कार खरीदते हैं तो सेलर क्या करता है, 1% का TCS कलेक्ट करता है। बट उसकी एक्सेप्शन क्या है कि अगर मैन्युफैक्चरर बेच रहा है कार टू द डीलर्स, तो फिर हमारा टू, वो जो हमारा सेक्शन है, ऑल्दो सेक्शन का नंबर ज़रूरी नहीं है कोट करना, बट 206C1F सेक्शन होता है जहाँ पर 1% का TCS लग जाता है, तो इस केस में नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज दिस पार्टनरशिप फर्म इज अ डीलर और ये मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं मेनली। यहाँ पर इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हाई नेटवर्थ, जो लग्जरी कार्स हैं, वैसे तो आजकल तो मैक्सिमम कार्स ही 10 लाख से ऊपर की हो गई हैं, ठीक है, पुराना लॉ अभी भी 10 लाख की लिमिट आ रही है, तो इनकेस इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग हाई वैल्यू की कार्स वगैरह खरीद रहे हैं, इनकम टैक्स उनके ऊपर ऑब्जर्व करना चाहता है, उनको थोड़ा सा रडार में रखना चाहता है, तो
अगर डीलर खरीदता है तो डीलर के ऊपर ये टीसीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, बट हाँ जब ये डीलर्स बाकी रिटेल सेल करेगा, जैसे कोई कस्टमर्स को जब अपनी सेल करेगा और अगर वो वैल्यू 10 लाख से ऊपर है तब टीसीएस आएगा। तो इस ट्रांजेक्शन में जो एक्स वाई जेड एक मैन्युफैक्चरर है, एबीसी डीलर को बेचता है, तो आप अगर 2 करोड़ की भी कार बेचते हैं, हर हर कार की वैल्यू 10 लाख से ऊपर जा रही है, 12 लाख रुपए, टीसीएस नहीं आएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दे सेल द कार्स टू इंडिविजुअल बायर। अब एबीसी ये जो डीलर है किसको, अपने कस्टमर्स को कार सेल करती है, ठीक है। अब ये 12 लाख की कार है, ठीक है, 12 लाख की कार है, कुछ प्रॉफिट वगैरह भी लेती होगी। अच्छा ये भी लिखा हुआ है, सेल द कार्स टू इंडिविजुअल बायर एट अ प्राइस यील्डिंग 10% मार्जिन ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली 12 लाख प्लस 10% वगैरह ये लोग चार्ज भी करते होंगे, 10 लाख से ऊपर चार्ज कर रहे हैं। क्या अब टीसीएस आएगा? हाँ, इस ट्रांजेक्शन पर टीसीएस आएगा जब ये अपने कस्टमर्स को कार बेचते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप बता दीजिएगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर जब एक्स वाई जेड मैनुफैक्चर इसको बेचेगा तब टीसीएस नहीं आएगा, बट हाँ जब ये लोग अपने कस्टमर्स को बेचेंगे तब टीसीएस आएगा। आगे लिखा हुआ है, टर्नओवर ऑफ एबीसी एंड कंपनी एंड एक्स वाई जेड लिमिटेड वॉज लेस देन 10 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23। देखिए कितना क्लेवर है ये एग्जामिनर, आपसे 2 सेक्शंस और पूछ गया साथ के साथ। वैसे तो यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए था, बट इस लाइन को देकर वो 2 सेक्शंस आपसे और पूछ गया। कहते हैं कि एबीसी एंड कंपनी और एक्स वाई जेड लिमिटेड कार मैन्युफैक्चर दोनों का ही टर्नओवर लास्ट ईयर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2022-23 मतलब लास्ट ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं था, बहुत लेस देन 10 करोड़ रुपीज़। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर का होता है, ठीक है, बायर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपीज़ से ऊपर का होता है तो वो क्या करेगा, फिर वो टीडीएस डिडक्ट करता है 194Q में, 0.1% होता है, ठीक है। और अगर बायर का नहीं है सेलर का है तो सेलर टीसीएस लग जाता है इसके ऊपर, वो 0.1% करेगा, राइट। 206C1H करके सेक्शन आता है तो ठीक है, मतलब सेक्शन का नंबर याद रहे तो ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ सेक्शन का नंबर याद रहे तो कोट करिएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है, आप प्रोविजंस लिख सकते हैं। तो कहते हैं कि वहां पर 10 करोड़ से भी ज्यादा का नहीं है, ना बायर का ना सेलर का, इसका मतलब वो बाकी के जो हमारे 0.1% टीडीएस डिडक्ट होता है या 0.1% टीसीएस कलेक्ट होता है वो प्रोविजंस भी यहाँ पर नहीं आएंगे, करेक्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2B, दोनों क्वेश्चन को। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा लिखें और उसको फिर कंपेयर करें मेरे आंसर से, ठीक है। देखिए मैं इसलिए दे रहा हूँ, ऑल दो मुझे पता है ये हमारे पास है, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, करेक्ट। अदरवाइज तो मैं थ्योरी क्वेश्चंस को बोल सकता हूँ कि आपको, कि आप लोग खुद करें, क्योंकि मेरा तो टाइम इसमें एंगेज हो ही रहा है ना, तो बट बेटर होगा कि उससे इतनी हेल्प नहीं होती अगर मैं सिर्फ ऊपर 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 से बता दूँ कि आपको ये प्रोविजन ऐसे, ये प्रोविजन ऐसे लगा लीजिएगा, तो इसका मतलब मैंने तो अपना आधा काम किया, राइट। चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखिएगा, आंसर 2B, फर्स्ट पार्ट, एज पर द टीडीएस प्रोविजंस इफ द बायर। अब देखिए मैंने यहाँ पर सेक्शन कोट कर दिया है, मैंने रेड में इसलिए मेंशन किया है कि इन केस अगर एग्जाम में हमें ये नहीं याद रहता तो इट्स ओके, आप इसको स्किप कर सकते हैं। देखिए लैंग्वेज मैंने कैसे यूज करी है, एज पर द टीडीएस प्रोविजंस इफ द बायर परचेज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड देन टीडीएस एट रेट ऑफ 1% शैल अप्लाई इफ द वैल्यू इज मोर देन 50 लाख इन द गिवन केस
1% शैल बी डिडक्टेड बाय दीपक ऑन 60 लाख और 65 लाख विच एवर इज हायर. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंसिडरेशन प्राइस और द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर. देयरफॉर टीडीएस विल बी 1% ऑफ 65 लाख, दैट वुड बी 65,000 का टीडीएस जाएगा. एक चीज़ मुझसे मिस हो गई है, आई एम सो सॉरी, मुझसे मिस हो गया है कि इन्होंने एक एग्रीकल्चर लैंड भी परचेज किया था. ऑल दो हमने ऊपर लिख दिया है, बट उसके बारे में भी हमें एक लाइन लिख देनी चाहिए थी कि एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने पर टीडीएस नहीं आएगा. ठीक है. सेकेंड, टीसीएस वाला क्वेश्चन था. एज पर द टीसीएस प्रोविजंस, यहाँ पर अगेन सेक्शन अगर नंबर याद ना रहे तो इट्स ओके. एज पर द टीसीएस प्रोविजंस द सेलर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस 1%. अगर वो व्हीकल आपका 10 लाख रुपीज से ज़्यादा की वैल्यू का होता है, बट ये ऐसा प्रोविजन डीलर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता. अगर जब ये डीलर्स परचेज करते हैं तो मैनुफैक्चर इस पर कोई टीसीएस नहीं लगाएगा. बट हाँ, जब डीलर इसको इंडिविजुअल कस्टमर्स वगैरह को बेचेगा तब वो टीसीएस 1% लगाएगा इन केस द वैल्यू इज मोर देन 10 लाख. और क्योंकि यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा की वैल्यू थी तो इस केस में हमारा टीसीएस आ जाएगा. और क्योंकि उन लोगों ने लास्ट पॉइंट में ये दे दिया था कि इनका टर्नओवर दोनों का ही 10 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर नहीं था, इसलिए वो भी मेंशन कीजिएगा. क्योंकि टर्नओवर बायर और सेलर का दोनों का ही, मैन्युफैक्चरर और डीलर का, 10 करोड़ से ऊपर नहीं था लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज प्रीवियस ईयर 22-23 प्रीवियस ईयर में. देयरफॉर टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस भी नहीं लगेंगे. ठीक है, सेक्शन याद ना रहे चलेगा. ठीक है, अदरवाइज सेक्शन आप कोट कर सकते हैं. ओके, तो आते हैं अपने आप क्वेश्चन नंबर 3 पर. लिखा हुआ है मिस्टर कमल आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 24-25. देखिए, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो हमें पता है कि एनी इनकम विच डज नॉट अराइज इन इंडिया, डज नॉट रिसीव इन इंडिया, इन लोगों के हाथों में टैक्सेबल नहीं होती अगर ये नॉट ऑर्डिनरी है. वो सिर्फ तब होती है अगर कोई भी इनकम जो इंडिया में अराइज नहीं हो रही है, रिसीव नहीं हो रही है, बट इफ इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया देन ओनली इट इज टैक्सेबल, राइट. हाँ, अगर कोई भी इनकम अगर इंडिया में अराइज होती है, रिसीव होती है, तो आपको पता है फिर तो सभी लोगों के हाथों में टैक्सेबल होती है, इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट ऑल्सो. ठीक है, ओके. ही ओन्स 2 हाउसेस, 1 in Dubai एंड द अदर इन मुंबई. ठीक है, द हाउस इन दुबई इज लेट आउट. अब देखिए, ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. अब इनका दुबई का घर है, लेट आउट है, इनकम इंडिया में अराइज नहीं हो रही. करेक्ट, इनकम इंडिया में अराइज नहीं हो रही है तो हम टैक्सेबल नहीं करेंगे. हाँ, बट अगर रिसीव हो जाए तो टैक्सेबल हो जाएगी. तो द हाउस इन दुबई इज लेट आउट, देयर इज एट अ रेंट ऑफ DHS दिरहम्स, दुबई दिरहम्स, 20,000 पर मंथ. ओके, एंड 1 DHS इज इक्वल टू 22 INR. ओके, इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लेंगे इनकेस अगर वो टैक्सेबल हो रही है. द एंटायर रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया. देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन दे दी है इन लोगों ने. द एंटायर रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया से मतलब समझ में आ जाता है कि टैक्सेबल हो जाएगी. ऑल दो ही इज अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बट फिर भी हम टैक्सेबल कर देंगे. वाई? बिकॉज ये दुबई वाला रेंट इंडिया में रिसीव हो रहा है. ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ DHS 2500 एंड सेवरेज टैक्स ऑफ 1500. तो म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं. अगर आप आउटसाइड इंडिया का भी आपका घर है और अगर आपने आउटसाइड इंडिया भी पैसा ये पे किया है तो म्यूनिसिपल टैक्सेस कंसिडर किए जाएंगे. 2500 dirhams एंड 1500 dirhams, 4000 dirhams इनटू 22. अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे. द हाउस इन मुंबई इज सेल्फ ऑक्यूपाइड. ओके, मुंबई का घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है. ही हैज़ टेकन, अब आपको बताए सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो NAV जीरो हो जाती है. करेक्ट, एज्यूम मैं कर रहा हूँ कि थ्रू आउट द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड ही होगा तो हमारी NAV जीरो हो जाती है. 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन जीरो हो जाएगी. 24B हमारा इंटरेस्ट अगर इसके ऊपर है, लोन वगैरह चल रहा है, तो 24B मिल जाएगा. बट हाँ, मैक्सिमम उसकी लिमिट 2 लाख होगी या 30,000 इस केस में भी, जनरली तो 2 लाख वाली ही होती है. ओके, द हाउस इन मुंबई इज सेल्फ ऑक्यूपाइड. ही हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 10 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन. ऑन 1 June 2020 को इन्होंने लोन लिया था. ओके, द कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31 May 2022. सब लोग समझ गए क्या दे रहा है ये? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट भी दे रहा है, वो भी कर लेंगे. ओके, ईजी होता है ना बहुत. एंड ही ऑक्यूपाइड द हाउस ऑन 1 June 2022. ठीक है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया. 2022 लास्ट ईयर ही उसने ऑक्यूपाई कर लिया था. एंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग. ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 23-24, हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 23-24, तो सबसे पहले तो करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा. और प्री कंस्ट्रक्शन का भी आपको पता है 1/5 1/5 करके अलाउड होता है फर्स्ट 5 ईयर्स में.
ये घर कंप्लीट हुआ था 31 मई 2022 को, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 2022-23 तो फर्स्ट ईयर था। अब हमारा प्रीवियस ईयर है 2023-24, यानी कि हमारा सेकेंड वाला ईयर में आ रहा है। तो फर्स्ट जो 5 ईयर्स हम लेते हैं तो उसमें भी हमारा वाला ईयर तो आ रहा है, यानी कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे और उसका 1/5 भी लेंगे। तो करंट पीरियड का इंटरेस्ट, क्योंकि पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है, इन्होंने बोल दिया पूरे साल तक आउटस्टैंडिंग रहा, तो करंट ईयर का इंटरेस्ट भी निकालिएगा और साथ साथ प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5 भी निकलेगा। टोटल ऐड करेंगे वो टोटल इंटरेस्ट 24 भी में अलाउड हो सकता है, पर चेक कर लीजिएगा 2 लाख से ज़्यादा का नहीं अलाउ करेंगे बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ओके, प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेकेंड हाउस, मतलब मुंबई हाउसेस 2400 रुपीज फॉर द फाइनेंशियल, इसका क्या करेंगे सर? म्यूनसिपल टैक्स से माइनस कर देंगे। अरे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है बॉस, तो फिर यहाँ तो हम NAV से शुरू करते हैं ना, GAV से बात ही नहीं आती सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, तो GAV में से म्यूनसिपल टैक्स माइनस होते हैं तब NAV आता है। यहाँ पर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए तो NAV ही जीरो लेनी होती है, करेक्ट? तो फिर इसका कुछ नहीं होगा, नोट दे देंगे कि इसको हम अलाउ नहीं कर पाएंगे। कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ कमल फॉर दिस असेसमेंट ईयर अंडर रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। रेगुलर प्रोविजंस का मतलब होता है नॉर्मल प्रोविजंस, मतलब ऑप्शनल स्कीम, राइट? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम आपको पता है 115 BAC, रेगुलर प्रोविजंस का मतलब होता है ऑप्शनल स्कीम। यहाँ पर हमारे सारे रेगुलर का मतलब है हमारे सारे प्रोविजंस यहाँ पर लग सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में तो काफ़ी सारे प्रोविजंस, काफ़ी डिडक्शन वगैरह नहीं मिलती हैं, रेगुलर में सब कुछ होगा। तो दिस इज रेगुलर इज ऑप्शन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करें। ओके, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिएगा और फिर पहले कीजिएगा, फिर बाद में मेरे सॉल्यूशन के साथ चेक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो देखिएगा आप इसको चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने बट साथ में ही कर दिए। इस तरीके से भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, दुबई हाउस और मुंबई हाउस, आप करेंसी अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहले मैंने, क्योंकि हर चीज़ को फिर मुझे 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो मैंने आप यहाँ पर फॉरेन करेंसी में ही पहले कैलकुलेट कर दिया, फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया रुपीज़ में, राइट? एक साथ भी कर सकते हैं, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। और मुंबई सेल्फ ऑक्यूपाइड भी साथ में दिखा दिया। तो कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ कमल फॉर दिस असेसमेंट ईयर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले सिर्फ दुबई की लेंगे बिकॉज मुंबई की तो हम NAV से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, राइट? म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड भी दुबई के ही हैं 4000, नेट एनुअल वैल्यू 2,36,000, ये पूरा का पूरा कॉलम हमारे फॉरन करेंसी का ही रहेगा, ठीक है? स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दुबई के घर से मिलेगी बट मुंबई के घर से नहीं मिलेगी बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ की NAV ही निल है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन दुबई का कुछ है नहीं, मुंबई का है जिसको हमने वर्किंग नोट 1 के थ्रू बनाया है। तो अल्टीमेटली हमारा दुबई के घर से इनकम आ जाती है 1,65,200 dirhams, जिसको मल्टीप्लाई किया 22 से जो रेट दिया गया था, तो इट इज़ इन इंडियन रुपीज़ 36,34,000। और वहाँ से हमारा लॉस आ रहा है 164 का। अभी हम ये देख लेते हैं कि 164,000 आया कैसे है हमारा इंटरेस्ट, और दोनों को हमने इस लॉस को हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ किया, द टोटल इनकम इज़ नाउ
34,70,400, ठीक है। अब वर्किंग नोट देख लीजिएगा कि इंटरेस्ट आपने कैसे कैलकुलेट किया है। सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना होगा, 1 जून 2020 से शुरू हुआ जिस दिन हमने लोन दिया था, और कब तक जाता है वो, जिस ईयर में घर कंप्लीट हुआ है उस ईयर को नहीं लेते, उससे पहले पहले 31 मार्च तक लेते हैं। याद आ गया आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ तक लेंगे, ऑल दो घर कंप्लीट हुआ है 31 मई 2022 के आसपास ना कहीं पर, हाँ 31 मई 2022 तक घर कंप्लीट हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि वो लोग 1 जून 2020 से जिस दिन लोन लिया और जिस दिन एक्चुअली घर कंप्लीट हुआ वहाँ तक देख लेते हैं, पर वो गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इस दिन हमारा घर कंप्लीट हुआ है तो जिस प्रीवियस ईयर में, दिस इज प्रीवियस ईयर 22-23, इस प्रीवियस ईयर को हम प्री कंस्ट्रक्शन में नहीं मानते, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल हम इसको प्री कंस्ट्रक्शन में नहीं मानेंगे। तो यानी कि हमारा, ऑल दो टेक्निकली आप मुझसे कह सकते हैं कि घर कंप्लीट हुआ था 31 मई को तो ये प्री कंस्ट्रक्शन होता है, बट वो सिर्फ लेमैन बोलेगा, हम लोग नहीं। हम लोग लॉ जानते हैं कि इससे पहले, इस प्रीवियस ईयर में मत आइए, इससे पहले पहले कब होता है ये एंड, 31 मार्च 2022 को सिर्फ उतना ही प्रीवियस ईयर लेना होता है, राइट। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर सिर्फ 31 मार्च 2022 तक ही कैलकुलेट किया है। अब इसके नंबर ऑफ मंथ्स निकाल लीजिए, तो मैं, आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से मंथ्स निकाले थे। देखिए इसका मतलब 2020 में हमने प्री कंस्ट्रक्शन है, 2021 में और कुछ पीरियड 2022 का भी जा रहा है। अब नॉर्मली ये आप नॉर्मली कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, मुझे इजी लगता है कि मैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से कर दूँ, क्योंकि नॉर्मल हमें सिर्फ बात है कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स निकालने हैं, तो वो आपकी मर्जी है, आपने जैसे सीखा आप वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे इजी लगता है कि मैं कैलेंडर मंथ्स के हिसाब से निकाल दूँ नंबर ऑफ मंथ्स निकालने हैं। तो 2020 के ईयर के मंथ्स आ गए हमारे 7 मंथ्स, करेक्ट, क्योंकि जून से स्टार्ट किया, जून से दिसंबर नॉर्मली, तो 7 मंथ यहाँ पर आ गए हैं। 2021 तो पूरा ही कैलकुलेट होगा तो 12 महीने, और 2022 मार्च तक हो रहा है तो सिंपल जनवरी फरवरी मार्च। सर अप्रैल से मार्च तक क्यों नहीं ले रहे? अरे मुझे सिर्फ नंबर ऑफ मंथ्स ही कंप्यूट करने हैं, राइट। तो वो मैं कोई भी तरीके, किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, तो जो आपको ईजी लगे, मुझे हमेशा ईजी लगता है प्री कंस्ट्रक्शन के लिए आप कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलें, ईजी रहता है, बहुत जल्दी निकल जाते हैं आपके, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ईजी रहता है थोड़ा। तो यहाँ पर 3 महीने आ गए तो टोटली हमारे 22 मंथ्स आ जाते हैं, तो 22 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट आ जाता है 2,20,000, और क्योंकि हमें 1/5, बिकॉज ये सेकेंड ईयर है हमारा, तो हम 1/5 ले सकते हैं 44,000। करंट पीरियड का कितना इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज पूरा का पूरा 10 लाख आउटस्टैंडिंग था इस साल भी, तो वहाँ का तो नॉर्मल है 12% आ जाएगा 1,20,000, तो टोटल इंटरेस्ट हो जाता है हमारा 44 और 120, 164। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ रहा था, इसकी वजह से लॉस आ रहा है। 2 लाख से ऊपर गया नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 164 का लॉस हम वहाँ पर दिखा सकते हैं, राइट। और प्लीज़ दो नोट और मेंशन कीजिएगा कि दुबई वाली इनकम हम क्यों टैक्सेबल कर रहे हैं, रीज़न भी बिकॉज वो रिसीव हुई है इंडिया में, मेरे पास जगह नहीं थी। तो आप इतना छोटा छोटा आप एग्ज़ाम में मत लिखिएगा, एग्ज़ाम में भरपूर आप अपने पेजेस का यूज़ करें, नेक्स्ट पेज पर ले जाइएगा। थर्ड पॉइंट भी देखो मैंने कहाँ पर लिख दिया है, बट आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट पेज पर ले जाइएगा। म्यूनसिपल टैक्सेस ऑफ मुंबई हाउस नॉट अलाउड, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने म्यूनसिपल टैक्सेस भी दिए थे ना, तो उसके लिए नोट तो देना पड़ेगा ना, जब एग्जामिनर ने कुछ दिया है तो उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको बता दो भाई हमने तेरे म्यूनसिपल टैक्सेस क्यों इग्नोर किए हैं। तो इसलिए इग्नोर किए हैं बिकॉज वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड था, दैट्स इट। बट सिंपल एक लाइन का नोट आना चाहिए आपका, करेक्ट, बस इतना। अगर आप सारी चीज़ें उसको बता देंगे कि बॉस ऐसे ऐसे मैंने किए हैं, तो 5 नंबर का क्वेश्चन था, पूरे के पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3B, आशीष entered into an agreement with Dhaval to sell his residential house located at Navi Mumbai on 16-8-2023 for ₹80 lakh. Okay, Ashish अपना घर बेचना चाहते हैं धवल को, और इस दिन agreement हुआ 16th of August 2023 को 80 लाख रुपीस में घर बेचेंगे, capital gain की बातें शायद हो जाएंगी इसमें। The sale proceeds was to be paid in the following manner. ठीक है, 80 लाख रुपीस कैसे जाएगा? 20% through account pay बैंक ड्राफ्ट ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि डेट ऑफ एग्रीमेंट पर हमने कुछ ना कुछ पैसे दे दिए, ठीक है। यहाँ पे 20% से मतलब नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ हमने पैसे दे दिए हों थ्रू अ बैंकिंग चैनल, राइट। तो हम फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला हुआ है कि 20% पैसे दे दिए थ्रू अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, बहुत अच्छा किया। 60% ऑन द डेट ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, बाकी का बैलेंस दिया एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सिर्फ मेनली इंपॉर्टेंट था
जिस समय एग्रीमेंट हुआ हो आपने कुछ ना कुछ पैसे दे दिए हो थ्रू अ बैंकिंग नोट, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन भी आपने दी होगी चलेगा। धवल हैज हैंडेड ओवर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 15th of December 2023 एंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड ऑन 14th of January 2024। ठीक है, यानी कि एग्रीमेंट की डेट और ट्रांसफर की डेट अलग अलग आ रही हैं। ही पेड, एग्रीमेंट डेट क्या थी हमारी 16th of 2023। ओके, आगे लिखा हुआ है ही पेड द सेल प्रोसीड्स एज पर द सेल एग्रीमेंट। ठीक है, सारे पैसे दे दिए गए। द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ऑन 16th of 2023, यानी कि एग्रीमेंट डेट की 90 लाख रुपीज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है और 14th of 2024 की 91,50,000 रुपीज वैल्यू। प्लीज मुझे बताइए हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। सर अगर एग्रीमेंट पहले से हुआ है, इफ देर इज अ प्रायर डेट एग्रीमेंट, और कुछ ना कुछ उस समय जो आपने टोकन मनी दिया था पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन की पेमेंट की थी, अगर वो आपने बैंकिंग मोड के थ्रू की है तो हम फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट की ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेते हैं। इस केस में हमारी 90 लाख रुपीज की वैल्यू इंपॉर्टेंट रहेगी। अब प्लीज मुझे बताइएगा, चलिए देख लेते हैं हमें निकालना क्या है। आशीष हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2001, कैपिटल गेन निकालना है। इन्होंने बोल दिया है कि आशीष ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। आशीष ने बेची है क्या? हाँ, आशीष सेलर है। आशीष ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी 1/4/2001 को, उससे पहले नहीं थी, वरना फेयर मार्केट वैल्यू देखते। ठीक है, पता है ना इमोवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या देखते हैं आप लोग, अगर 1/4/2001 से पुरानी प्रॉपर्टी है तो फेयर मार्केट वैल्यू इज ऑन 1/4/2001, बट अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी गिवन है तो फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, राइट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, 1/4/2001 की वैल्यू दी है 20 लाख रुपीज, तो आप लोग इजीली इसका इंडेक्सेशन करेंगे कैपिटल गेन निकालते समय। आफ्टर रिकवरिंग द सेल प्रोसीड्स फ्रॉम धवल ही परचेज अनदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर इन कानपुर फॉर 15 लाख रुपीज, यानी कि हमने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही खरीदी है, सेक्शन 54 की हम यहाँ पर एग्जम्पशन भी ले सकते हैं। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 और हमें CIL भी गिवन है। तो प्योर प्योर कैपिटल गेन का क्वेश्चन है ये। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी लेंगे आप लोग, 90 लाख, या फिर एक्चुअल कंसिडरेशन कितनी, 80 लाख। अब देखिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमारी ज़्यादा, यानी कि एक और सेक्शन लग गया है यहाँ पर 50C, यहाँ पर हमारी कंसिडरेशन प्राइस कम है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है। 50C ये कहता है कि अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, बट हाँ वो 10% का हमें एक थोड़ा सा ग्रेस भी देता है, यानी कि अगर आपकी वैल्यू 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है तो हम यही वैल्यू ले सकते हैं। अब देखिए अगर इसमें मैं 10% ऐड कर दूँ, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोल सकते हैं कि इसको 110% करके देख लीजिए आप, ठीक है, वन इन द सेम थिंग, तो वो आ जाता है 88 लाख। यानी कि कंसिडरेशन प्राइस में अगर मैं 110% भी उसका ले लेता हूँ या 10% ऐड करके भी देखता हूँ तो वो आता है 88 लाख। स्टिल मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी लेनी पड़ेगी 90 लाख रुपीज़ की। ठीक है, 90 लाख की हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाती है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म, और 20 लाख रुपीज़ की हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, उसका आप इंडेक्सेशन कर सकते हैं। CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर इज 348, CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज इज 100, तो आराम से आप इंडेक्सेशन कर पाएंगे, आपका कैपिटल गेन आ जाएगा लॉन्ग टर्म, उसके बाद हम एग्जम्पशन देंगे अंडर सेक्शन 54, करेक्ट। चलिए मैं चाहता हूँ कि इसको अब इस क्वेश्चन को, ऑल दो लास्ट क्वेश्चन तो हाउस प्रॉपर्टी था वो भी आपने करा था, उससे पहले वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स ने वो लिख कर देखा नहीं होगा, ठीक है, वो सिर्फ मेरा ही देख लिया होगा जैसे मैं कर रहा था, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है प्लीज़ करके देखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, अक्सर सेक्शन 50C ऑन एंड ऑफ आता रहता है, तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग करके देखिए फिर आप मेरे आंसर से इसको चेक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं।
तो आई बिलीव आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 90 लाख रहेगी और आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, अगर आपको सेक्शन 50C याद रहे तो सेक्शन 50C भी मेंशन कीजिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट की ली जाएगी, बिकॉज कुछ पेमेंट हमारी पार्ट ऑफ द पेमेंट गई है बाय बैंकिंग मोड, एंड ऑल्सो हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मच मोर देन 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, ठीक है। तो 90 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का आप इंडेक्सेशन करेंगे 69.6, आपका ग्रॉस एलटीसी जा रहा है 20,40,000 रुपीज का। फर्दर असेसी इन्वेस्टमेंट कर रहा है नए रेजिडेंशियल हाउस में 15 लाख की, वहां पर आप डिडक्शन दे दीजिएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5,40,000 हमारा आ जाता है, इजी बीजी, ठीक है, इजी था ना बिल्कुल ये। सॉरी, ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ऑल्दो आपको एग्जाम में सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं 2, 3 और 4 में से, बट एज ऑफ नाउ फॉर प्रैक्टिस पर्पस वी आर डूइंग ऑल 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4A, इट सेज मिस्टर मोहित सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। इनकम फ्रॉम सैलरी है 6,50,000 रुपीज, इनकम फ्रॉम हाउस वन है 55,000 रुपीज का, ओके, हमें निकालना क्या है, कंप्यूट द GTI ग्रॉस टोटल इनकम एंड द लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर मोहित फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। रेगुलर प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर रहा है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम, राइट, तो रेगुलर का मतलब होता है ऑप्शनल टैक्स रिजीम। मिस्टर मोहित हैज फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 25th of July 2024। लेट्स से अगर इनकी ड्यू डेट 31st July होगी या 31st October होगी, उससे पहले पहले ही, इनफैक्ट 31st July से काफ़ी पहले ही इन्होंने 25th of July को ही अपनी रिटर्न फाइल कर दी, यानी कि ड्यू डेट तक इन्होंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है। तो मेनली ये क्वेश्चन मुझको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का लग रहा है। ओके, अब शुरू करते हैं, तो हम लोगों को GTI निकालनी है और बताना है कि कौन कौन से लॉसेज हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, ओके, इनकम फ्रॉम हाउस वन 55,000, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउस टू सेल्फ ऑक्यूपाइड है 1,25,000, ओके, ये लॉस है तो मैं इसको नेगेटिव शो कर रहा हूँ अभी। लॉस फ्रॉम हाउस 3,190, ओके, ये भी लॉस है। लॉस फ्रॉम लेदर बिजनेस, PGBP का लॉस है, ये PGBP का लॉस है 68,000 रुपीज का। PGBP का लॉस किससे सेट ऑफ हो सकता है, किसी भी दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकता है अदर देन सैलरी, राइट। सबसे पहले PGBP का लॉस, PGBP पहले तो इंट्रा हेड ऑफ सेट ऑफ, इंट्रा हेड सेट ऑफ करें, इंट्रा हेड नहीं हो पाया फिर आप दूसरे हेड में जा सकते हैं अदर देन सैलरी। ऑफ कोर्स कैजुअल इनकम से तो कुछ भी सेट ऑफ नहीं होता, ठीक है, ओके। फिर आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम क्लोथ बिजनेस 170। अब देखो यहाँ पर हमारी PGBP की इनकम आ रही है तो आराम से इस लॉस को तो मैं यहाँ से सेट ऑफ कर दूंगा, ठीक है, लॉस कम है प्रॉफिट ज़्यादा तो आराम से सेट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, अच्छा हमारे पास ना 2 हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेज हैं और 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, पहले तो आप इंटरहेड आप सेट ऑफ कर देंगे। अब क्या हाउस, बाकी जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बचेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है लॉसेज हाउस प्रॉपर्टी के, तो क्या बाकी लॉसेज दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं। अब देखिए क्योंकि ऐसे यहाँ पर ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शनल रिजीम अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हमारा दूसरे हेड से सैलरी, हाउस सैलरी, PGBP, कैपिटल गेन, IFOS वगैरह से किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, करेक्ट। ऑब्वियसली कैजुअल इनकम से तो कुछ भी नहीं होते, बट अगर ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर, याद कर लीजिएगा, अगर असेसी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है, राइट, तो फिर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होते, सिर्फ इंट्रा हेड हो सकते हैं, फिर वो कैरी फॉरवर्ड ही होंगे अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो हो रही है। बट यहाँ पर लिखा हुआ है रेगुलर टैक्स, रेगुलर प्रोविजन लगाने हैं, मतलब ऑप्शनल स्कीम फॉलो करनी है। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में जान लीजिएगा, यहाँ पर लॉसेज दूसरे हेड से सेट ऑफ तो हो सकते हैं बट मैक्सिमम कितना 2 लाख रुपीज तक, देख लेंगे इसको। आगे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स ऑन विच STT इज फेड 35,000 का ये लॉस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किससे सेट ऑफ हो सकता है, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है, सिर्फ कैपिटल गेन से ही हो सकता है, किसी और से नहीं होगा, ओके। उसके बाद कहते हैं इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, ये तो हमारी कैजुअल इनकम है IFOS की, इससे तो कुछ सेट ऑफ नहीं होगा, इस पर तो हमें हमें पूरा टैक्स देना पड़ता है। खैर यहाँ पर हमें टैक्स नहीं निकालना है, सिर्फ टोटल इनकम निकालनी है। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये हमारी IFOS की इनकम है। लॉस ऑन ओनिंग एंड मेंटेनिंग मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, ये IFOS में जाता है, बट आपको पता है कि यहाँ पर लॉस आ रहा है अगर SSC का, तो दिस इज ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस सिर्फ और सिर्फ सिमिलर बिजनेस से, मतलब रेस हॉर्सेस वाले बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है, किसी इवन दूसरी रेस से भी सेट ऑफ नहीं हो सकता, इट शुड बी हॉर्स रेसेस ओनली।
तो यहाँ पर ये 7500 का लॉस, बाकी देखते हैं अब लास्ट ही बचा है, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस बुल्स। अब ये रेस बुल्स है, क्या ये सेटअप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो उसके लिए सिर्फ रेस हॉर्सेस से ही सेटअप हो सकता है, करेक्ट। तो अब क्या क्या होगा, कुछ चीज़ें तो मुझे सीधा सीधा नजर आ रही है, उसको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। एक तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है, अब कहीं पर भी कैपिटल गेन की बातें नहीं हुई थी, इसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। दूसरा हमारा लॉस ऑन ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस आएगा, ये भी, क्योंकि ये सिर्फ रेस हॉर्सेस के बिजनेस से ही सेटअप हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये भी कैरी फॉरवर्ड ही जाएगा, करेक्ट, और इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम 4 साल तक। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो मैक्सिमम 8 ईयर्स तक हो सकता है, और हमारा पीजीबीपी में प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज लॉस कम है, पीजीबीपी के दूसरे प्रॉफिट क्लोथ बिजनेस से आ रहे हैं सफिशेंट, पीजीबीपी तो सेटअप हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी देखते हैं, हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 लाख तक ही सेटअप हो सकता है दूसरे हेड से। तो पहले आप देख लीजिए हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कितना है, 1,25,000 प्लस 1,90,000 का, तो हमारे पास 3,15,000 का लॉस है। सबसे पहले तो इसको हाउस प्रॉपर्टी नंबर वन से, क्योंकि वहाँ पर इनकम है, उससे सेट ऑफ कर देते हैं। तो ये 55,000 तो हमारा कट हो जाएगा, और फिर भी हमारा लॉस बचेगा 2,60,000 का, फिर भी लॉस बचेगा। अब इसमें से 2 लाख का ही मैक्सिमम सेटअप हो सकता है, तो आपकी मर्जी है यहाँ पर, या तो आप इसको सैलरी से सेट ऑफ कर दीजिए, या कुछ अगर आप, वैसे सैलरी से सेट ऑफ करना ठीक रहेगा क्योंकि हमारा 2 लाख का मैक्सिमम हो सकता है सैलरी में सफिशिएंट प्रॉफिट से। तो आप इसको सैलरी से कर दीजिए, 60,000 का बाकी लॉस बचेगा, उसको तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि इसमें से 60,000 तो कैरी फॉरवर्ड पक्का होगा बिकॉज हम हाउस प्रॉपर्टी पूरा का पूरा सेट ऑफ नहीं कर सकते। मैक्सिमम डिफॉल्ट रिजीम होता तो कुछ भी नहीं सेट ऑफ कर पाता दूसरे हेड से, ऑप्शनल स्कीम में मैक्सिमम 2 लाख सेट ऑफ हो सकता है, 60,000 तो ये कैरी फॉरवर्ड करना ही करना पड़ेगा। ओके, आप चाहें, यहाँ पर आपकी विश है, आप चाहें तो इस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी से कर दें, ठीक है, वो भी ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको पीजीबीपी में, है ना, प्रॉफिट्स, हाँ पीजीबी में बचेंगे बिकॉज ये 68,170 से सेट ऑफ हो जाएगा। एक बिजनेस में लॉस है, एक बिजनेस में प्रॉफिट है, फिर भी आपके पास प्रॉफिट बचेंगे, तो आप चाहें तो उसको वहाँ से भी करिएगा। फिर अगर आप वहाँ से करेंगे तो बाकी सैलरी से थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, डिविडेंड इनकम से भी कर सकते हैं आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस डिविडेंड से भी कर सकते हैं, पर बेटर है इतने आप 3-4 जगह से करें कम कम, इससे अच्छा डायरेक्टली आप हाउस प्रॉपर्टी से, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सैलरी से ही कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो इसको शुरू करते हैं। अगेन अ गुड क्वेश्चन, सेट ऑफ के क्वेश्चन अक्सर बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं सेट ऑफ ऑफ लॉसेस के, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसको आने के एग्जाम्स में। चलिए शुरू करते हैं। आई बिलीव आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, देख लिया पूरा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉसेस हमारे मैक्सिमम 2 लाख तक ही सेटअप हो सकते थे सैलरी से, तो 450 सैलरी इनकम आ गई। हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम नहीं, ऑलरेडी लॉसेस है, 60,000 का कैरी फॉरवर्ड होगा, वो हमने नेक्स्ट पेज पर लिख दिया है। पीजीबीपी का लॉस आराम से सेटअप हो गया, इंटर हेड सेटअप था, इजिली हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस आ रहे हैं, कैपिटल गेंस ही सेटअप हो सकते हैं, किसी और से सेटअप होंगे नहीं, तो हमें इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा।
IFOs के तो इनकम है बट सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से तो सेम सिमिलर जैसे अभी डिस्कस किया था सेम से सेटअप हो सकते हैं, इसको भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सो आर इनकम इज 5,81,500 GTI। और क्वेश्चन ने ये भी पूछा है कि कौन कौन से लॉसेज आप सेट कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो प्लीज उसको मेंशन कीजिएगा कि हम इतने लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। ठीक है, ओके, नाउ कम टू योर लास्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर इंटरनल चॉइस है और इट सीम्स टू बी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। लिखा हुआ है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू इंटीमेट आधार नंबर, इज देयर एनी फी फॉर सच डिफॉल्ट। ओके, सो दिस इज इजी क्वेश्चन कि आधार नंबर अगर इंटीमेट नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर आप आधार नंबर इंटीमेट नहीं करेंगे तो। दूसरा, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, एक तो आपको रिफंड नहीं इशू होगा, रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरा, उसके ऊपर जितना पीरियड तक आपका पैन इनऑपरेटिव रहेगा उसका आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अपने रिफंड का। तीसरा, TDS के रेट्स अब आप हायर रेट से चार्ज होंगे, राइट। आपको पता है ना जो नॉर्मल TDS के रेट होते हैं 20% व्हिचएवर इज हायर, तो हायर रेट से TDS, और सेम TCS में भी आएगा, TCS भी आपका हायर रेट से चार्ज होगा। तो यहाँ पर ये चार नंबर का क्वेश्चन है, आप आराम से ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप आराम से लिख सकते हैं। तो बता दीजिएगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर आधार नंबर इंटीमेट ना किया जाए, और क्या उसकी फीस भी होती है। हाँ, जब आप दोबारा से इसको ऑपरेशन कराने जाते हैं तो आपको यहाँ पर 1,000 rupees की फीस देनी होती है, राइट, 1,000 की फीस। तो दिस इज इजी। सेकंड पार्ट बोलते हैं व्हाट इज द फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग। ये चार नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दो मतलब दो दो नंबर के क्वेश्चन, तो सिंपल है, दो दो तीन तीन लाइन आप इसमें लिख सकते हैं। व्हाट इज द फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 234F। तो हमें पता है कि अगर आप अपनी रिटर्न टाइम से डिपॉजिट नहीं करते फिर बाद में आप लेट डिपॉजिट करते हैं तो देयर इज अ फीस अंडर सेक्शन 234F। काफी इंपॉर्टेंट है ये फीस, आपको पता होनी चाहिए। दिस इज 5,000 rupees, तो आपकी फीस जो है वो 5,000 rupees होती है। साथ साथ में अगर हमारी टोटल इनकम 5 lakh से एक्सीड नहीं करती है तो उस केस में मैक्सिमम फीस हम आपसे 1,000 rupees चार्ज करेंगे, 5,000 rupees। तो ये दोनों बातें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जनरली द फीस इज 5,000 rupees इन केस assessees filing their return late, time से उसने due date तक file नहीं की है। Second, अगर उसकी total income 5 lakh से ज़्यादा की नहीं है तो maximum fees हम उससे 1,000 rupees की लेंगे। Simple है, तो आप कर लेंगे आराम से। Okay. Third पूछ रहा है to whom the provisions of 139AA relating to porting of आधार number do not apply. Okay. अब हमें पता है कि it is now mandatory to port your आधार number, but yes, उसकी कुछ exceptions है। कहाँ कहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं होता, तो हमसे पूछा है कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ये हमारा आधार नंबर वाला प्रोविजन नहीं लगता है। इसके बारे में भी अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 2 marks 4 marks के दोनों हैं और इसमें से आपके पास चॉइस है, करेक्ट। तो इसमें आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए, अगर आप रेसिडेंट हैं, एसएससी रेसिडेंट है असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय, उस केस में आधार नंबर पोर्ट करना मैंडेटरी नहीं होता। दूसरा है कि असेसी अगर नॉन रेसिडेंट है तो भी आधार नंबर आपको पोर्ट करना मैंडेटरी नहीं होता, एक्सेप्शन में आता है। तीसरा, अगर वो नॉन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, तब आपको आधार नंबर पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। नॉन रेसिडेंट को भी नहीं है, नॉन सिटीजन को भी नहीं है। और लास्ट है, अगर असेसी की एज प्रीवियस ईयर में 80 ईयर्स और मोर हो जाती है तो भी उसको आधार नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। काफी बूढ़ा हो गया असेसी, शायद वो अपना आधार नंबर नहीं बनवा पाएगा, इसलिए उसको मना कर दिया है कि आपको आधार की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दीज आर द 4 cases जहां पर हमें आधार नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको आप आराम से लिख लेंगे। सो दिस वाज आवर डिस्कशन रिलेटेड टू आवर इनकम टैक्स पोर्शन, राइट। तो आई बिलीव आप लोगों ने काफी ज्यादा इसके मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी कुछ काम किया होगा, करेक्ट। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई वुड लाइक टू डिस्कस मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद यू। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।